नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी के RVNL के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि Q3 के नंबर्स आने वाले थे और नंबर्स आ चुके हैं। किस तरीके के नंबर रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लगातार स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जिस तरीके से ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिल रही थी, वापस से स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जान आती हुई नज़र आ रही। कहने का मतलब है कि रिजल्ट्स के अंदर हम लोगों को बड़ा धमाका होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नतीजों के बारे में, कितना फेरबदल कंपनी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो 3732 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में महज आपको 3182 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब अगर देखें तो साल पिछले साल किस तरीके का डेटा हम लोगों को दिखाई दे रहा था, लगभग 3699 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। तो हमें साल से भी, कहने का मतलब कि पिछले साल से भी बढ़त देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात करें टोटल इनकम की तो लगभग 3864 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में महज आपको 3248 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही थी। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 3773 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही थी। तो कहने का मतलब है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गजब का मोमेंटम कंपनी के अंदर दिख रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें साल दर साल तो गजब के नतीजे कंपनी की तरफ से हम लोगों को अभी तक देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खर्चों की स्थिति किस तरीके से दिखाई दे रही है। 3522 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3030 करोड़ के आसपास थी। तो खर्चों के अंदर हम लोगों को इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 3493 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहे थे, तो वहां से भी इसके अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी के अंदर हमें किस तरीके के फेरबदल कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो लगभग 342 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है इस क्वार्टर में। अगर बात करें पिछले क्वार्टर की तो लगभग 218 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर भी हम लोगों को मजबूती देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात करें तो पिछले साल की लगभग 279 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही थी, तो वहाँ से भी हम लोगों को इसके अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें किस तरीके की वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो लगभग 280 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र था 172 करोड़ रुपए के आसपास। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो वहाँ 197 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को ऑल सेगमेंट के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गजब के नतीजे कंपनी ने पेश किए। तो अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमको स्टॉक्स के अंदर एक अच्छे लेवल, अच्छी एक वैल्यू जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज देखा लास्ट टाइम पे जिस तरीके की रिकवरी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है, तो अब तैयारी कर लीजिए क्योंकि स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो स्टॉक्स के अंदर जो चाल हम लोगों को देखने को मिल रही है बहुत ही स्लो देखने को मिल रही है। तो स्लो मोशन में ही ऊपर जाएगा, बट अच्छे खासे रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।